जय साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी 2023 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक जिसमें आवेदन होना है। तो क्या इस प्रक्रिया में आवेदन करना चाहिए अथवा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछली बार आवेदन करके पेट पास हो चुके हैं और इस तरह से डिमोटिवेट हो गए, सर मैं दो दो बार पेट परीक्षा दिया, पास हो गया लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली, क्यों मैं पेट का फॉर्म भरूं। ऐसे तमाम युवा हैं जो डिमोटिवेट होकर बैठ चुके हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी साथी जो भी पेट परीक्षा दिए थे, याद रखिए कि उसके भर्ती उसके माध्यम से नहीं मिल पाई लेकिन फिर भी कई भर्तियां देखने को मिली है। पेट के बाद तो सबसे बड़ी प्रश्न आता है, सर सेंटर काफी दूर मिल जाता है तो मुझे फॉर्म नहीं भरना चाहिए। देखिए, सेंटर दूर मिल जाता है लेकिन फिलहाल आप एक अभ्यर्थी जीवन बिता रहे हैं और परीक्षा हो रही है, भर्ती नहीं आ रही है, तो आप एक अभ्यर्थी जीवन जी रहे हैं और अभ्यर्थी जीवन का एक लक्ष्य ही होता है कि जब तक हम और आप अंतिम रूप से सफल ना हो जाए, जब तक अंतिम रूप से सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक हमारा और आपका एक मकसद होता है पढ़ाई करना, अपनी जीत की ललक के साथ निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना जब तक हम अंतिम रूप से सफल ना हो जाए। इसलिए इस अभ्यर्थी जीवन में आप सभी को हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक हमें पढ़ाई पर किसी प्रकार से कामा प्रश्नचिन्ह पूर्ण विराम नहीं लगाना है, फॉर्म भरना है और अपना बेस्ट और बेहतर देना है। क्योंकि आपकी तैयारी से क्या होगी, इससे जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपकी तैयारी है वो भी निरंतरता के साथ बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं रुक गई है, आपने पढ़ना बंद कर दिया है, इससे क्या होगा आप हमेशा रेगुलरिटी रहेगी और जब रेगुलरिटी रहेगी तो नौकरी आपको जरूर मिलने वाली है। पिट परीक्षा के बाद तमाम बार आता है, सर भर्तियां नहीं हो पा रही। देखिए, फॉर्म आते हैं, आवेदन प्रक्रिया भी होती है लेकिन इतने कम पदों पर होती है, उसकी मेरिट काफी हाई हो जाती है और जब मेरिट हाई हो जाती है, कट ऑफ ज्यादा हो जाती है, तब आप उस कट ऑफ में नहीं आ पाते। इसलिए इस बात ध्यान रखना है कि पिट में पहली बात आपको एकदम याद रखनी है कि मेरिट अच्छी लानी है, मतलब इस बार पिट परीक्षा देना है, फॉर्म भरना है और अपनी तैयारी को अभी से मजबूत करना है, अभी से अपनी तैयारी को बेहतर करते रहना है ताकि परीक्षा जब नजदीक हो, परीक्षा जब सर पर आ जाए तो आपको मेहनत कम करनी पड़े। इस बार एक सूत्री कार्यक्रम रखना है, स्कोर बेहतर करना है। सामने चुनाव है, आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है कई पदों पर अलग अलग, तो दरअसल क्या होती है अलग अलग पदों पर होती है, ऐसे पद निकला 10,000, 8,000, 6,000, 5,000, 2,000, 1,200, तो उसकी कट ऑफ जो होती है काफी हाई हो जाती है। इसलिए इस बार, क्योंकि आपने दो बार कुछ लोगों ने पेट दिया होगा परीक्षा, कुछ लोगों ने एक बार दिया होगा, कुछ लोगों का पहली बार होगा, तो आप सभी साथी फिर से पेट परीक्षा के लिए अपना बेस्ट और अपना बेहतर देते रहिएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी सफलता का जो ताला है ना, आपकी किस्मत की किस चाबी से खुलेगा ये आपको खुद नहीं पता है। आप अपनी किस्मत के साथ साथ अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। अगर आपकी मेहनत में जज्बा जुनून रहा और यह जो पढ़ने की ललक है, नौकरी पाने की ललक है, यह अगर आपके अंदर रही तो आपको नौकरी से कोई रोक नहीं पाएगा। देर होगा, अंधेर नहीं होगा, बेशक हो सकता है पिछली बार नहीं होगा लेकिन हो सकता है इस बार आपके अच्छे अंक आए, हो सकता है इस बार अंतिम रूप से आपका चयन भी हो जाए। इसलिए हमेशा अपने सकारात्मक संभावनाओं की तरफ बढ़िएगा, अपनी तैयारी जारी रखिएगा। आपके पास पुराने नोट्स होंगे, पुरानी किताबें होंगी, क्योंकि जीएस का सेक्शन आपको नहीं बदलेगा, मैथमेटिक्स आपको नहीं बदलेगी, अलग से जो पढ़ना है आपको करंट पढ़ना है। इससे एक चीज और है कि आप हमेशा रनिंग में रहेंगे और जब चीजें रनिंग में रहती है ना तो तैयारी और बेहतर होती है, क्योंकि पुलिस की भी विज्ञप्ति हो सकती है, तो कहीं ना कहीं जिस जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, किसी भी भर्ती परीक्षा की बात की जाए, ये सभी में कॉमन है। लैंग्वेज की बात करें, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जीएसजी के हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ये आपको लगातार पढ़ते रहने, जब चीज आपको ये पता है कि चीजें लगातार पढ़नी है, क्रम रूप से पढ़नी है, फिर अभी हथियार रखने की क्यों, अभी हथियार मत रखिए, अपनी तैयारी पर फोकस रखिए। यकीन मानिए सिलेक्शन आपका होगा, ये साल आपका है, ये वर्ष आपका है, बस आप अपना बेहतर पर फोकस करिए। इसके अलावा पेट से जुड़ा अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं तो मेरे साथ, मैं भी आपके लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क क्लासेस लेकर आना चाह रहा हूं जिसमें जीएस से रिलेटेड, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, या आप चाहते हैं किस विषय पर हम फोकस करें, थियरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करिएगा और कमेंट के माध्यम से विषय बताइएगा, हम आपके लिए एक टाइमिंग के साथ ये क्लासेज लेकर आएंगे जिसकी लिंक आप लोग टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रह सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो टेलीग्राम पर जुड़े आएंगे, जब टेलीग्राम पर रहेंगे तो आप मेरी जो भी क्लासेज होगी उसकी लिंक आपको यहां पर मिल जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे हम आपके लिए लंबी लंबी मैराथन क्लास लेकर आए, 7 घंटे, 8 घंटे की, 6 घंटे की, 12 घंटे की, तो मैराथन क्लास भी आपको सिलेक्शन में काफी अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और यहाँ पे एक बड़ी विशेष बात है, अगर आप चाहते हैं कि निःशुल्क क्लासेज आप जुड़े रहे तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के व्हाट्सएप पर आप पिट लिखकर व्हाट्सएप करिएगा अपना नाम और अपना जिला, जिससे आप उस नंबर पर
जुड़ सकें। इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम और जिला लिखकर पेड आप पेड ग्रुप में जुड़े आएंगे, ताकि जो क्लास है नोट्स है वो आपको निःशुल्क वाली मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको निःशुल्क क्लासेज और नोट्स भी मिल जाए, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप सभी जानकारी ले सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ या देख रहे हैं, आप सभी लोग जितने भी साथी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो इस बात को ध्यान रखें, इस बात पर फोकस रहें कि सिलेक्शन आपका किसी भी समय हो सकता है। इसके लिए आप हमेशा बेहतर और बेहतरीन देना है, यकीन मानिए, खुद पर भरोसा रखिए। ये साल आपका होगा, आने वाला समय आपका होगा, और आपके इस मेहनत का, इस परिश्रम का जो फल होगा हमेशा सकारात्मक होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा जीत उनकी होती है जो निरंतर मेहनत करते रहते हैं। एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, तीन बार हारोगे, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो यकीन मानिए सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसलिए फॉर्म भरिए, अपनी तैयारी पर फोकस रखिए, कोई भी परीक्षा हो ना हो, लेकिन मैंने कहा चार विषय हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएसजी के, इन पर हमेशा फोकस रखिए। बस जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उस वनडे परीक्षा की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से, उस समय के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो लाइक करिएगा। मेरे द्वारा जब भी समय मिलता है इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क क्लास हम आपके लिए देशित में राष्ट्रित में लेकर आते रहेंगे। इस बार भी हम आपके लिए PSSSC की निःशुल्क क्लास लेकर आ रहे हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। बस आप अपना साथ यूं ही हमारे साथ बना रखिए, ताकि हम रेस की अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे, क्योंकि अब की बार पेट पार के साथ हम अपने इस सीरीज को, इस सेशन को आपके साथ आगे ले चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिले। हम आपके लिए निःशुल्क क्लास लेकर आ रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए अहम और इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई सवाल हो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं।